वारिसलीगंज पुलिस ने सोनवर्षा रेलवे स्टेशन पर से देशी कट्टा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मामला नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोनवर्षा रेलवे लाइन पर से जुड़ा है, जहां वारिसलीगंज पुलिस ने थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा की देखरेख में हथियार दिखाकर लोगों को भयभीत कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी एसडीपीओ महेश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक नवादा कार्यालय में प्रदान करते हुए बताया कि डायल 112 पुलिस को सूचना मिली कि सोनवर्षा रेलवे लाइन के समीप एक युवक हथियार के बल पर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के महदीपुर गाँव निवासी नंदू डोम के 21 वर्षीय पुत्र राहुल डोम के रूप में की गयी है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से एक देशी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसडीपीओ महेश चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस अवसर पर वारिसलीगंज थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। कल दिनांक 22/10/2024 को वारिसलीगंज थाने को सूचना प्राप्त हुई कि वारिसलीगंज थाना अंतर्गत ग्राम सोनवर्षा रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति हथियार लगाकर लोगों में भय उत्पन्न कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर वारिसलीगंज थाना की पुलिस पहुंची एवं उस व्यक्ति को पकड़कर सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति राहुल डोम, पिता नंदू डोम, जो मेहदीपुर थाना वारिसलीगंज के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।